थाना समसभा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम नाऊपुरा धिमसरी में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब एक नाबालिग लड़की के साथ गांव के ही लड़कों ने गैंग रेप की घटना को अंजाम दे दिया सामूहिक दुष्कर्म की सूचना पर थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई है और युवती को मेडिकल के लिए भेज दिया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा धूल काक्ता नजर आ रहा है आए दिन युवतियों से बलात्कार के मामलों में इजाफा हो रहा है ऐसा ही एक मामला बीते दिन थाना शमशाबाद क्षेत्र का सामने आया है ग्राम नाउपुरा धीमिश्री में गांव के ही रहने वाले युवकों ने नाबालिग युवती को अपनी हवस का शिकार बना लिया गैंगरेप की सूचना पर थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई और नाबालिग युवती को मेडिकल के लिए भिजवाया गया पुलिस पूरी घटना की जानकारी जुटाने में लग गई है शाम को करीब तीन चार बजे एक सूचना मिली है कि गांव नयापुरा थाना शमशाद शमशाबाद क्षेत्र अंतर्गत एक तेरह चौदह साल की लड़की को साथ तीन लोग ने दुष्कर्मा किया है तो सूचना मिलने से तत्काल मौके पर पहुँच गया है और पीड़िता विक्टिम से बात की गई है और उसको मेडिकल हेतु तत्काल तो हॉस्पिटल भेजा गया है और उनके परिजनों से तहरीर लेकर तीन लोगों को नामित किया गया है छोटा संजू और आ, मुन्ना करके सो इन तीनों के खिलाफ तीन सौ चौहत्तर डी पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत मुकदमा लिखी गई है और तत्काल जल्दी उनको गिरफ्तार करके विधिक कार्रवाई की जाएगी आरोपी को पकड़ने के लिए कोई टीम रवानगी की गई है तुरंत दो टीम को रवानगी की गई है जो मुन्ना और छोटा आ, सो मुन्ना और संजू भाई हैं इन दोनों के लिए एक टीम और छोटा के लिए एक टीम रवानगी की गई है सो तो उम्मीद है कि आज रात को ही उन लोगों को गिरफ्तार की जाएगी सर तो घटना स्थल पर जो आपने किया है क्या संदेश आपको लग रहा है क्या तो घटनास्थल सार्वजनिक एक जगह है तो लग रहा है कि ये जो लड़की का जो कथन है तो उन्हीं के हिसाब से लग रहा है कि वो सुनसान जगह है और उसी जगह पे घटना होने की संभावना था तो एफएसएल टीम आई है और जो भी मेडिकल एविडेंस और जो मौके पे जो मिला एविडेंस को कलेक्ट किया गया है रूप से उसको अवलोकन करके उसको विधिक की, जाए। की क्या तो लड़की के अनुसार और शिकायत के अनुसार घटना कल सुबह बजे की है और हम गहना उसको छानबीन करेंगे कि असलियत और भी कुछ बात हो तो एस पी ईस्ट ने बताया कि युवती की मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी फिलहाल पॉक्सो एक्ट में मुकदमा लिख आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दो टीमें लगा दी गई हैं फिलहाल पुलिस शाम तक आरोपियों की गिरफ्तारी के दावे कर रही है प्रातः दर्पण न्यूज़ के लिए मुकेश ठाकुर की रिपोर्ट